वेलकम टू कविता ए ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बेस्ट 100 एमसीक्यूज का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड किस तरह के ऑक्साइड्स हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स या बेसिक ऑक्साइड्स या न्यूट्रल ऑक्साइड्स या ऑप्शन डी ऑल द अबव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है यस CO, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO, नहीं N2O। कार्बन और नाइट्रोजन दिस बोथ आर यस नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स में जब ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर इधर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर, जबकि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलमोस्ट बेसिक इन नेचर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दिस बोथ आर यस न्यूट्रल ऑक्साइड्स, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दिस बोथ आर एसिडिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वॉटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, एक एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, और इस कंपाउंड का नेचर कैसा होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, साथ में ये वाटर में सोल्यूबल होता है। तो इस एलिमेंट का आपने नाम बताना है जिससे कि इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या ऑप्शन डी आयरन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। कैल्शियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड किसका फॉर्मूला है? यस क्विकलाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम जब वाटर में डिजोल्व करता है तो किस तरह से Ca ऑक्सीजन के 2 एटम्स और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स है, CaOH twice की फॉर्मेशन होती है, और CaOH twice इज फॉर्मूला ऑफ यस स्लेक्ट लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। FeSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, या AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, या CuSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, या ऑप्शन डी NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल प्रेजेंट होता है ये तभी डिस्प्लेस होगा जब नेक्स्ट मेटल उस मेटल से मोर रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सभी मेटल्स जो हाइड्रोजन से बिलो लाई करते हैं, जैसे कॉपर, कॉपर के बाद आता है मर्करी, उसके बाद आता है सिल्वर, और सिल्वर के बाद लास्ट में प्रेजेंट होता है Au, रिएक्टिविटी डाउनसाइड डिक्रीज होती है। कॉपर से भी कम रिएक्टिव होगा मर्करी, इससे भी कम रिएक्टिव होगा सिल्वर, और सबसे कम रिएक्टिव होगा गोल्ड। तो FeSO4 सॉल्यूशन में जो मेटल प्रेजेंट हैं दैट इज आयरन, और नेक्स्ट मेटल इस साइड प्रेजेंट हैं कॉपर। आयरन और कॉपर में से मोर रिएक्टिव मेटल कौन होगा? अब कॉपर हाइड्रोजन से बिलो लाई करता है, ये लेस रिएक्टिव होगा, जबकि आयरन हाइड्रोजन से अपसाइड लाई करता है, तो आयरन मोर रिएक्टिव होगा। तो मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। जबकि CuSO4 सॉल्यूशन में जो मेटल प्रेजेंट है दैट इज कॉपर, और इस साइड मेटल है सिल्वर Ag। तो कॉपर और सिल्वर में से मोर रिएक्टिव कौन होगा? कॉपर। तो लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। जबकि NaCl सॉल्यूशन में मेटल इज सोडियम, और इस साइड नेक्स्ट मेटल इज कॉपर। सोडियम और कॉपर में से मोर रिएक्टिव मेटल विल बी यस सोडियम। रिएक्टिविटी सीरीज में नंबर 1 पर आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद नेक्स्ट आता है सोडियम। तो सोडियम कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, तो मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये भी गलत होगा। जबकि ऑप्शन बी में मेटल प्रेजेंट है सिल्वर, साइड मेटल है कॉपर। तो सिल्वर और कॉपर में से मोर रिएक्टिव होगा यस कॉपर। तो लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव कॉपर मेटल उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से आसानी से डिस्प्लेस करेगा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल डू नॉट कोरोड। इनमें से किस मेटल में कोरोजन की फॉर्मेशन नहीं होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Au गोल्ड, Ag सिल्वर, प्लेटिनम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस।
इसका आंसर आएगा यस, ऑप्शन बी सिल्वर, क्योंकि सिल्वर इन दोनों से कम रिएक्टिव होता है। नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये तीनों लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये तीनों इनर्ट मेटल्स हैं, इसलिए इनमें कोरोजन की फॉर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट वन, इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा। ऑप्शन ए सिनेबार इज एन ओर ऑफ जिंक, सिनेबार जिंक का ओर है, या ऑप्शन बी हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ मैंगनीज, हेमेटाइट मैंगनीज का ओर है, या ऑप्शन सी बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। ओके, सिनेबार इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक, सिनेबार किसका ओर है, यस मरकरी का, मरकरी का सिंबल होता है Hg, और हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ यस आयरन, मैंगनीज का ओर होता है यस पायरोलुसाइट, जबकि जिंक का ओर होता है जिंक ब्लेंड दैट इज ZnS, और बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ यस एल्यूमिनियम, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन, इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए कॉपर इज यूज फॉर गैल्वनाइजिंग आयरन, आयरन की गैल्वनाइजेशन में कॉपर का यूज होता है, या ऑप्शन बी एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ मेडिसिंस एंड फूड मटेरियल की पैकिंग में या मेडिसिन की पैकिंग में एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज किया जाता है, या ऑप्शन सी जिंक आर यूज टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में जिंक का यूज किया जाता है, या ऑप्शन डी सिल्वर इज यूज इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में सिल्वर का यूज किया जाता है। आयरन में जब कोरोजन की फॉर्मेशन होती है तो इसके ऊपर एक मेटल की परत चढ़ा दी जाती है जिसे बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, तो गैल्वनाइजेशन में यूज होता है यस जिंक मेटल का, ना कि कॉपर मेटल का, ये गलत होगा, और मेडिसिंस और फूड मटेरियल्स की पैकिंग में यूज किया जाता है एल्यूमिनियम फॉयल का, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, और ज्वेलरी बनाने में जिंक का यूज नहीं होता है, ये ऑप्शन भी गलत होगा, ज्वेलरी बनाने में यूज होता है यस सिल्वर या फिर गोल्ड का, और थर्मोमीटर में सिल्वर का यूज नहीं किया जाता है, थर्मामीटर में किसका यूज होता है यस मरकरी का, Hg का, कॉपर और एल्यूमिनियम इन दोनों का यूज किया जाता है यस इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में, ये इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर्स होते हैं, साथ में ये हीट भी कंडक्ट करते हैं, इसलिए यूटेंसिल्स बनाने में भी इन दोनों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट वन, इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए सोडियम एंड पोटाशियम इवन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इवन कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, या ऑप्शन बी मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, या ऑप्शन सी एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन रिएक्ट ओनली विद स्टीम, एल्यूमिनियम जिंक और आयरन सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, या ऑप्शन डी कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट विद आइस वाटर, कॉपर सिल्वर और गोल्ड आइस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में हाइड्रोजन लिब्रेट होती है, साथ में हीट रिलीज होती है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो सोडियम और पोटाशियम होते हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में नंबर वन पर आता है पोटाशियम, उसके बाद आता है सोडियम, ये दोनों हाईली रिएक्टिव होते हैं और इवन ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद दीज आर हाईली एक्सप्लोजिव, दे कैच फायर, इनमें आग लग जाती है, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। पोटाशियम और सोडियम के बाद रिएक्टिविटी सीरीज में नेक्स्ट आता है कैल्शियम, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट ये हाईली एक्सप्लोजिव नहीं होता है, इसमें आग नहीं लगती है, और ये मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में इन तीनों के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है, इसलिए ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, और मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट लाई करता है यस एल्यूमिनियम जिंक और आयरन, ये तीनों मेटल्स बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं, और ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिएक्ट करने के बाद इनमें मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन नहीं होती है, ये मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, जिंक में जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, और आयरन में आयरन ऑक्साइड की, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ऑप्शन डी कॉपर सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों हाइड्रोजन से बिलोंग लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये आइस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये पॉइंट गलत होगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये तीनों मेटल्स कोल्ड वाटर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और इवन ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड इज, जिंक ब्लेंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Zn2S, ZnS, ZnS2 या ऑप्शन डी ऑल द अबव। जिंक ब्लेंड इज एन ओर ऑफ यस जिंक और इसका फॉर्मूला होता है यस ऑप्शन बी ZnS। जिंक ब्लेंड के साथ साथ एक और आपने याद रखना है, दैट इज गेलेना। गेलेना किसका और है? यस लेड का, और इसका फॉर्मूला होता है यस PbS। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्प्यूरिटीज लाइक सैंड सॉयल ग्रेवल प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड। ओर में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं किस फॉर्म में? सैंड सॉयल और ग्रेवल की फॉर्म में। इन्हें कहते हैं मिनरल और गैंग या सिल्ट। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी गैंग। ओके, और क्या होते हैं? ओर से मेटल को डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पर उनको असेंडिंग ऑर्डर में शो किया गया है, तो इनमें से कौन सा अरेंजमेंट करेक्ट होगा? जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, या सोडियम मैग्नीशियम आयरन जिंक, या सोडियम जिंक मैग्नीशियम आयरन, या सोडियम मैग्नीशियम जिंक आयरन। ओके, आपके पास गिवन मेटल्स हैं जिंक, आयरन, Fe, मैग्नीशियम, Mg और सोडियम Na। रिएक्टिविटी सीरीज में पोटाशियम के बाद नेक्स्ट मेटल आता है सोडियम। इन चारों में से हली रिएक्टिव होगा सोडियम। सोडियम के बाद नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम, तो इन चारों में से नेक्स्ट नंबर पर आएगा मैग्नीशियम। अब बच्चा आपके पास आयरन और जिंक। आप स्टडी करते हो कि गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में आयरन के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है, क्योंकि जिंक आयरन से मोर रिएक्टिव होता है, तो थर्ड नंबर पर आएगा जिंक और फोर्थ नंबर पर आएगा आयरन। ये सीरीज आपने फॉलो करनी है, सोडियम मैग्नीशियम जिंक आयरन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी सोडियम मैग्नीशियम जिंक आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ ए मेटल विद मेटल और नॉन मेटल। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एलॉय क्या होता है? एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसी एक मेटल का किसी और मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ। गिवन एलॉयज में से किस एलॉय में उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से एक नॉन मेटल प्रेजेंट होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, स्टील। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी स्टील। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। स्टील के साथ साथ आपसे स्टेनलेस स्टील भी पूछा जाता है। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ यस आयरन, क्रोमियम एंड निकल। इसके लिए आपने याद रखना है एटॉमिक नंबर 24, 26 और 28। 24 एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम का, 26 होता है आयरन का, जबकि 28 एटॉमिक नंबर होता है निकल का। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज में प्रेजेंट होते हैं कॉपर और टिन, और सोल्डर में प्रेजेंट होते हैं टिन और लेड। लेड का सिंबल होता है Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक सॉल्ट इज एन ओर ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स दिस मेटल इज। रॉक सॉल्ट फॉलोइंग मेटल्स में से किसी एक मेटल का ओर होता है, ये मेटल कौन सा है? मैंगनीज, सोडियम, आयरन या कॉपर। रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला होता है यस NaCl। NaCl जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसे बोलते हैं रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन करता है HCl के साथ, तो किस तरह से NaCl की फॉर्मेशन होती है? रॉक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है साथ में OH कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ, वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर इज डिजोल्व इन डिल्यूट HCl। जिंक और कॉपर के एक एलॉय को डिल्यूट HCl में डिजोल्व किया जाता है और हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, और इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इन दिस इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस की इस इवोल्यूशन में ओनली जिंक रिएक्ट्स विद डिल्यूट HCl। सिर्फ जिंक डिल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, या ओनली कॉपर रिएक्ट्स विद डिल्यूट HCl, या सिर्फ और सिर्फ कॉपर डिल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, या ऑप्शन सी बोथ जिंक एंड कॉपर रिएक्ट विद डिल्यूट HCl, दोनों जिंक और कॉपर डिल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, या ऑप्शन डी ओनली कॉपर रिएक्ट्स विद वाटर, सिर्फ और सिर्फ कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा।
तो जिंक और कॉपर में से मोर रिएक्टिव होगा जिंक, कॉपर हाइड्रोजन से बिलो लाई करता है, ये लेस रिएक्टिव होगा। तो लेस रिएक्टिव मेटल होने की वजह से कॉपर डिल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जिंक डिल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ओनली जिंक रिएक्ट्स विद डिल्यूट HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में इनमें से कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, टाइटेनियम, मर्करी, गोल्ड या आयरन? यस, ह्यूमन ब्लड में जो मेटल प्रेजेंट होता है दैट इज यस आयरन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद गैंग टू फॉर्म ए फ्यूजिबल मटीरियल इज कॉल्ड, एक सब्सटेंस जो गैंग के साथ रिएक्ट करने के बाद एक फ्यूजिबल मटेरियल फॉर्म करता है, इसे कहते हैं स्लेग, फ्लॉक्स और या कैटलिस्ट, इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन ए स्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद फॉर्म करता है NaO2 या Na2O या 2NaO या ऑल द अबव मेटल्स, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है यस Na2O, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल इन प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, फ्राइंग पैन जो आयरन से बना होता है इसको रस्ट से बचाने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होगा, अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट या अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक या ऑप्शन डी ऑल द अबव? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। आयरन को रस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर हम ग्रीस कर सकते हैं, उसके ऊपर पेंट किया जा सकता है और साथ में उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जा सकती है, जिसकी इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विद लोएस्ट डेंसिटी इज, इनमें से सबसे कम डेंसिटी किस मेटल की होती है, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम या सीजियम? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी लिथियम। लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होती है, साथ में लिथियम इज लाइटेस्ट मेटल और लिथियम बिलोंग करता है अल्कली मेटल को, अल्कली मेटल के पास बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन फॉर यूज इन सेमीकंडक्टर्स इज कैरिड आउट बाय, हीटिंग अंडर वैक्यूम, फोर्थ फ्लोटेशन, लिक्विफिकेशन या जोन रिफाइनिंग? सिलिकॉन का यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर के रूप में, तो इसकी जो प्यूरिफिकेशन की जाती है इट इज कैरिड आउट बाय यस जोन रिफाइनिंग, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, रोस्टिंग इज डन जनरली इन केस ऑफ कार्बोनेट और सल्फाइड और ऑक्साइड और या सिलिकेट और, आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के NCERT क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 3। अब तक हमने टोटल 60 MCQs डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट 20 MCQs के लिए पार्ट 4 जरूर देखिए। पार्ट 1 और 2 की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हो। सर्च करने के लिए आपने चैप्टर का नाम लिखना है, साथ में आप लिखोगे कविता ई ट्यूटोरियल्स, इस तरह से आप किसी भी चैप्टर को सर्च कर सकते हो। और इसी तरह से वीडियोस रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।